ਪ੍ਰੇਮ ਛੋੜਿਆ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰੀਲ ਪਵਾਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੁੱਪੋ ਸਭ ਕੋ ਮਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਪੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋ ਤੇ ਚਲਦਾ ਲਾ ਜੀ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ ਜੀ ਕਰਾ ਜੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵੀ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਛੱਡ ਦੇ ਲੋ ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਤਰਾ ਤਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ रविंदर सिंह जी जिन्होंने जनानी मसला फैसला करके मुझे चेयरमैन बनाया है और जो इन्होंने मेरी ड्यूटी जो दायित्व मुझे सौंपा है मैं उस पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँ और दिन रात मेहनत करूँगा। बाकी मेरे जो चाहने वाले मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और सोसाइटी की बेहतरी के लिए जो भी हमसे होगा हम बढ़ चढ़ के उस पर काम करेंगे। आज जो मीटिंग थी ये किसने बुलाई गई थी, किसकी ओर से बुलाई गई थी आज की मीटिंग? जी जनरल मैनेजर की तरफ से डिप्टी रजिस्ट्रार से उन्होंने बुलाई थी मीटिंग। इसमें कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आज उपस्थित रहे यहाँ पे? तीन है, किरण सिंह जी और रविंद्र सिंह। तो कुल कितने हैं सर यहाँ? पाँच। पाँच आज कौन कौन एब्सेंट रहा यहाँ से? क्या कौन कौन नहीं आया यहाँ पे एब्सेंट? ब्यास दत्त और जो पुराने हमारे चेयरमैन थे हरिंदर सिंह वो नहीं आए, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो आपके साथ जो है तीन अभी डायरेक्टर्स आपके साथ? हाँ तीन है, वो बाकी भी आएंगे कोई बात नहीं, काम करेंगे। राजेंद्र सिंह के खिलाफ हमने इसलिए लाया कि उसको हमने बुलाया, राजेंद्र सिंह को हमने चेयरमैन बनाया क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो चुन के आते हैं। चेयरमैन को बनाने का दायित्व जो होता है वो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, हमने उसको चेयरमैन बनाया। वो दो साल वो चेयरमैन रहे, सवा दो साल, और उन्होंने गलत फैसले लिए। मैं तीन चार मीटिंगों में मैं जब आया तो मैंने उसको कहा ऐसे नहीं ऐसे करो, क्योंकि मैं छः साल यहाँ चेयरमैन रहा पहले भी, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, लेकिन मेरी उन्होंने मानी नहीं। उसके बाद चलता रहा लेकिन पोजीशन ये बन गई कि सो काज नोटिस निकला रजिस्ट्रार की तरफ से, इनोवा क्रिस्टा जो गाड़ी थी उसको लिया गया था कमर्शियल पर्पज के लिए, लेकिन उन्होंने खुद इस्तेमाल किया उसको दो। मैंने किसानों की बेहतरी के लिए करोड़ों रुपए की इनकम बनाई और जहां तक अजैशियां मारने के लिए ये दफ्तर, मैं भी जहां चेयरमैन रहा मैंने सिंपल एक कूलर मार रखा था, सिंपल पांच छह कुर्सियां रखी थी, जहां ये अजैशी का आटा नहीं बनाया था मैंने। आज आप देखो यहां ये किसानों की बेहतरी के लिए सोसाइटी थी, लेकिन आज वो लोग आज आपके सामने जिन्होंने किसानों की बेहतरी नहीं की, किसानों की दुकानें तक जहां से इन्हें बेच दी, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 25-25 लाख रुपए की गाड़ियां, किस लिए? किसानों की बेहतरी के लिए? कौन सा किसानों की बेहतरी होनी थी? जबरदस्ती करके अपनी जैशी के लिए 25-25 लाख की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। और वो कहते थे कि मैं कहता हूं जिनके घर अपने शीशे के हों वो लोगों के घरों में पत्थर नहीं मारते। आज चले थे मुझे गिराने, लेकिन आज उनकी अपनी हालत देखो आज क्या हो गई, जहां मीटिंग अटेंड करने तक नहीं पहुंच सके, आगे आगे देखो होता है। नरेशन भाई कौन लोग थे जो ऐसी करते थे, हमारे दर्शकों को थोड़ा खुल के बताइए। जो जहां प्रेसिडेंट पहले बैठे थे, जो चेयरमैन जहां बैठे थे, उन्होंने ये सारा ऐसी के लिए सारा बनाया। किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, किसानों को बीज नहीं मिल रहा है,
और मुझे पता है करण सिंह जी ने पहले जो सोसाइटी चलाई उस वक्त फिर जहां सुनवाई होती थी किसानों की, खाद मिलता था किसानों की बेहतरी के लिए। जब मैंने जब कम्प्लेक्स बनाया, दो दो रास्ते क्यों बनाए, एंट्री क्यों बनाई, जहां हजार लोगों को रोजगार दिया, जहां आज कम्प्लेक्स के अंदर आपका टेक वन चल रहा है, अल्ट्रासाउंड जहां चल रहा है, दुकानें होटल जहां है, मेडिकल शॉपें जहां है, ब्लड टेस्ट जहां होता है, बहुत से काम, नाइयों का काम जहां चल रहा है, दवाइयों का काम जहां चल रहा है, जहां चाय का काम जहां चल रहा है, कौन सी जहां सुविधा लोगों ने, 1000 लोगों को रोजगार भी मैंने साथ साथ सोसाइटी तो बनाई उसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी दी। ये होता है सबका साथ सबका विकास और रोजगार। इसलिए जिन लोगों ने अपनी जैसी के लिए बनाई थी, आज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तंग पड़ के ये चाहते थे किसानों की बेहतरी हो, वो अपनी बेहतरी के लिए काम करते थे, इसलिए आज ये हाल हुआ।